केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद फतेहपुर के बिंदकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मातृ सुरक्षा दिवस के अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उनके स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी साझा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की उत्तम स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लेकर गर्भवती महिला और उनका शिशु दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी सीएचसी पीएचसी में मातृ सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं कल्याणकारी योजना का लाभ लेकर आगे बढ़ रही हैं। माताएं स्वस्थ हो, कुपोषित मुक्त हो, तो बच्चा कुपोषित मुक्त अपने आप होगा। उसके तहत उनको गोलियां, क्या खाना है क्या नहीं खाना वो पूरा बताना, और गर्भवती महिला होते ही यदि वो रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसके खाने पीने के लिए 6,000 रुपया, जब तक वो बच्चा पैदा होगा तब तक उसके खाने के लिए 6,000 रुपया भी देती है सरकार। इन्हीं योजनाओं को लेकर के आज 9 तारीख को मातृत्व अभियान जो शुरुआत की गई है वो हमेशा होता है। मेरा आग्रह है कि माताएं आए आगे आकर के। कई बार माताएं संकोच में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती, फिर वो जो 6,000 रुपया मिलना होता है, बच्चा तो अस्पताल में पैदा होता है लेकिन जो बच्चा गर्भ में आए तब करवाएं तो पैसा भी उनको मिलेगा। मतलब अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे गर्भावस्था के दौरान अपने शरीर का भी शक्ति रखनी चाहिए और खान पान का भी ध्यान देना चाहिए। आज जो भी हुआ मतलब अच्छा हुआ, हमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया, गर्भवती महिला कैसे रहनी चाहिए, और यहाँ जो हुआ अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मिली हमें, समझाया गया, सब कुछ बताया भी गया।